नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हिरणखेड़ा में राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म जयंती दादा की कर्म भूमि ग्राम हिरणखेड़ा में मनाई गई। इस दौरान ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों ने माखन दादा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। सौरभ लवंसी द्वारा माखन दादा की प्रसिद्ध रचना हिम किरीटनी का पाठ किया गया। राजेंद्र भंडारी द्वारा कैदी और कोकिला रचना कोकिला बोलो तो का पाठ किया गया। शेख जमीर द्वारा दादा के हिरणखेड़ा में रहने के दौरान के अनुभव बताए गए। धर्मेंद्र सिंह राजपूत अमित साध आशुतोष लिटोरिया द्वारा दादा के विभिन्न जीवन चरित्रों पर वक्तव्य दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिम किरीटनी की रचना ग्राम हिरणखेड़ा में ही की गई थी। दादा ने यहाँ सेवा सदन आवासीय विद्यालय की स्थापना की जिसमें उनके चारों भाइयों द्वारा अध्यापन और प्रबंधन किया जाता था। विद्यालय का कठोर अनुशासन घी में डूबी रोटी मेरे को पहचानते एक साल में दो कक्षाएं अर्थात सेमेस्टर प्रणाली जैसी आधुनिक शिक्षा प्रणाली तत्कालीन समय में इस विद्यालय को महत्वपूर्ण बनाती थी। यहां से पढ़े अनेक विद्यार्थी विभिन्न उच्च पदों पर आसीन हुए जिनमें ब्रजलाल वर्मा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं। दादा की जयंती के अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ नागरिक युवा साथी एवं रेणुका माता समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सिपाही चलते थे और अंदर जेल में थे तो उन्होंने लिखी थी कविता माखनलाल जी ने कैदियों को कोकिला कोकिल बोलो तो कोकिल बोलो तो। और कुछ भी अभिला था मुझे तोड़ देना बंद मालिक मुझ पे देना पत्र को स्कूल जबलपुर में इनवे पढ़ता था संतवाचरण में तो वहाँ पर मैंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता काव्यांग कोमजी में से कैदियों कोकला पढ़ी थी जिस समय चतुर्वेदी जी सत्याग्रह के आंदोलन में और जेल में बंद थे उस समय उन्होंने कविता लिखी थी और उसके बाद कुछ की अभिलाषा किसी ने लिखी थी। और हमारे गांव के बहुत महान व्यक्ति रहे हमारे गाँव उन्हीं के नाम से वही कर्मभूमि रही हिरणखेड़ा जी की और उनके बारे में तो बड़े बड़े कॉलेजों में महाविद्यालयों में उनकी कविताएँ चलती हैं ऐसे महापुरुषों के लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। लहू का एक भी कतरा ना रहने दिया तन के वास्ते जितना भी लहू था बह दिया देश के वास्ते और आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग पर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते जो आए वतन के वास्ते। आज हमारे दादाजी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रकवि एवं भारत की आत्मा में कहते हैं उनका आज जन्म दिवस है वो ग्राम हिरणखेड़ा में उनकी जयंती मनाई जा रही है। इनके पूर्वज जबलपुर से बावई ग्राम में आकर बस गए और वहीं पर रहने लगे। इनका जन्म बावई में ही हुआ और इनके पिताजी चाहते थे उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर ये बाद में पंडिताई करने लगे लेकिन पंडित जी पढ़ते पढ़ते शिक्षक की नौकरी पाकर बाद में पत्रकारिता करने लगे और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और पत्नी के साथ कुछ वर्ष बाद पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद पत्रकारिता करते हुए वह जबलपुर में कुछ वर्ष उन्होंने कार्य किया। इसके बाद खंडवा ग्राम में वो खंडवा में उन्होंने पत्रकारिता चालू रखी और भारत की स्वतंत्रता में पत्रकारिता द्वारा देश के युवाओं में आज़ादी के प्रति एक अलग ही अलग जगाई और पत्रकारिता से जन आंदोलन किया और जिसके कारण कई बार इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। आज महान माखनलाल चतुर्वेदी जी को उसी बीच में हिरणखेड़ा में आकर के काले आज नमन करता हूँ और जब भी कोई मेरे गांव के बारे में कहता है अरे भाई हिरणखेड़ा ऐसा है तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें मालूम क्या है जब तुम्हारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं थी जब हमारे दादा ने कॉलेज की स्थापना कर दी थी स्वराज में लेकिन इतना इतिहास लोगों को पता नहीं है। 3000 किताबें पढ़ के हम इतना हमको मालूम है इतिहास में। और आप दादाजी कह रहे थे दुर्भाग्य अपना इसलिए है क्योंकि लोगों के सताने के कारण माखनलाल चतुर्वेदी जी को यहाँ से भगा दिया गया था कुछ लोगों के कारण तो उन्होंने जाते समय ये कहा था कि मैं हिरणखेड़ा गांव का नाम कहीं आने नहीं दूंगा।
ऐसा वो बोल कह के गए थे, तो वही बात है। बस बाड़ी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ, सभी साथी, सभी मेरे साथी भाई, आप सबको का अभिवादन। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जयंती मना रहे हैं और माखन दादा का हिरणखेड़ा से लगाव आपको पता ही होगा। और जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया अभी कि पंडित जी का बाबई से जब उनका शिक्षा ग्रहण हुआ, तो पंडित जी शुरू से विद्वान थे और अच्छी पढ़ाई के कारण वो सरकारी शिक्षक बने। और सरकारी शिक्षक के बाद वो उनके मन में देश प्रेम की भावना बचपन से थी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश शासन था, इसलिए देश के प्रेम की बात, भारत की स्वतंत्रता की बात सरकारी नौकरी में संभव नहीं हो पा रही थी। पंडित जी ने एक दो ऐसा दौर आया जब पंडित जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हमारे गांव रणखेड़ा में एक सेवा सदन स्कूल की स्थापना की। ये स्कूल आवासीय स्कूल था। बहुत छोटे शब्दों में इसकी विशेषता है, जैसे घी में डूबी हुई रोटी, कठोर अनुशासन। जो सेमेस्टर प्रणाली आज के दौर में कॉलेजों में लाई जा रही है, वो सेमेस्टर प्रणाली यानी एक साल में दो क्लास पास करना, ये सेवा सदन स्कूल की विशेषताएँ होती थी। इसके भूतपूर्व विद्यार्थियों में पंडित भूतपूर्व विद्यार्थियों में ब्रजलाल वर्मा, एक वकील जो काफ़ी नामी, ये ब्रजलाल वर्मा जी पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुए, केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे, ये यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। एक वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हुए, वो यहाँ के विद्यार्थी थे। ऐसे ना जाने कई विद्यार्थियों ने अनेक पदों को आसीन किया। और चूँकि समय परिस्थिति बात, यहाँ पंडित जी का एक विद्वान व्यक्ति एक जगह नहीं ठहरते हैं, उन्होंने यहाँ अपना स्कूल चला के और शिक्षा की अलग जगह, और इसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान किए। यहीं उन्होंने हिमकिरीटनी जो उनकी रचना है उसके कुछ अंश भी यहाँ उन्होंने लिखे हैं, जिसका हिमकिरीटनी में उल्लेख आता है। तो साथियों, आप सबके सहयोग से हम जो अभी दादाजी ने एक दुख जताया, और हम कोशिश करेंगे कि नव पीढ़ी के साथ मिलकर इस बात को भी हम शासन प्रशासन और परिवार के सामने रखेंगे कि भाई ये दादा की कर्मस्थली थी और हमारे गांव को भी इस कर्मस्थली में जोड़ा गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, कर्मभूमि हिरणखेड़ा जय हो, कर्मभूमि हिरणखेड़ा की जय हो। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अमर रहे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी अमर रहे। इनका माता की जय। कर्मभूमि हिरणखेड़ा ग्राम की जय। दादा का हिरणखेड़ा से क्या लगाव था या क्या दादा की कर्मभूमि थी? आज ग्राम हिरणखेड़ा में समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंडित माखनलाल जी चतुर्वेदी, जो कि महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, उनकी जन्म दिवस पर आज भव्य कार्यक्रम ग्रामवासियों के द्वारा रखा गया, जिसका सभी ग्रामवासियों ने विशेष योग दिया। आपके दादा के साथ क्या अनुभव रहे? हमारे अनुभव क्या, हमारे पूर्वजों से हमने जो सुना कि दादा हिरणखेड़े के लिए एक ऐसी हस्ती थी जो उस जमाने में ब्रिटिश शासन की टाइम पे दादा ने हिरणखेड़े में कॉलेज चलाया और ग्रामवासियों को किस ढंग से अपने उसमें चलाया, कैसी सीख दी, जो बिल्कुल ऐसी सराहनीय है। और हमें दादा का आज उनके जन्मदिन पे जो यादें आ रही है वो सदा याद आती रही। दादा ने हमारे गांव के लिए क्या किया, कितना समय दिया
परदादा के टाइम के तो ऐसे ऐसे लोग रहे जो लोकसभा विधानसभा में रहे, यहाँ के विद्यार्थी रहते हुए लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी काव्य रचना मेदी गोगला मैंने अपने अध्ययन काल में कक्षा 11वीं में पढ़ी और उस पर हमारे सर ने उसको समझाया हमको किस प्रकार से सत्याग्रह में चतुर्वेदी जी ने ये रचना लिखी है और कैसे वहाँ के ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाही उनको किसे तंग करते थे, वो सब पूरी रचना में विवरण है। वो बहुत लंबी कविता है। माखन दादा की कर्मभूमि ग्राम हिरणखेड़ा में आज माखन दादा की जयंती मनाई गई। दादा ने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद हिरणखेड़ा में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। इस आवासीय विद्यालय की अनेक विशेषताएं जिनमें कठोर अनुशासन, घी में डूबी रोटी और सेमेस्टर प्रणाली जैसी आधुनिक शिक्षा शैली जैसी विशेषताएं थी। यहाँ से पढ़े विद्यार्थी जिनमें ब्रजलाल वर्मा जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे, एक नामी सुप्रीम कोर्ट के वकील हुए, ऐसे दादा के विद्यार्थी रहे। इस स्कूल का संचालन दादा अपने छोटे चारों भाइयों के साथ मिलकर करते थे जो अध्यापन और प्रबंधन का काम भी देखते थे। मेरा शासन और जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि दादा की जो कर्मभूमि ग्राम हिरणखेड़ा है वह गुमनाम स्थिति में है और दादा की कर्मभूमि जो कि खंडवा जानी जाती है तो उसमें हिरणखेड़ा का भी महत्वपूर्ण स्थान है और आप लोगों से आग्रह है कि दादा इस हिरणखेड़ा को फिर से दादा की कर्मभूमि ग्राम के रूप में पहचान दिलाई जाए।